महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से कोतवाल अहदों के लिए भर्ती का अमल शुरू हो गया है। नांदेड़ के अलग अलग तालुकों में कोतवाल भर्ती के लिए खरांदाजी की गई। खरांदाजी के जरिए रेजरो जमरे के तहत उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया। देगलुर तालुक़े में कोतवाल अहदों की 15 असामियां खाली हैं, इनमें से 80% यानी 12 असामियों पर खरांदाजी की गई। डिप्टी कलेक्टर कुलदीप जंगम की निगरानी और देगलुर तालुक़े के तहसीलदार राजा भाव कदम, नायब तहसीलदार संजय नागमवार और बालाजी सरनर की मौजूदगी में खरांदाजी का अमल मुकम्मल हुआ। वाज़ेह है कि कोतवाल भर्ती के लिए चौथी पास होना ज़रूरी है। कुछ दिन कबल ही कोतवाल अहदों के लिए इम्तहानात मुनक़िद हुए थे। इन इम्तहानात का नतीजा ज़ाहर होने के बाद आज ज़िला भर में 80% अहदों के लिए रेजरो जमरे की खरांदाजी की गई। कोतवालांची पद रिक्त आहेत, त्यापैकी 80% पद भरण्यासाठी मान्यता मिळालेली आहे, त्यानुसार 12 पद भरली जाणार आहेत। त्याबाबत आरक्षण निश्चित करण्यासाठी आज आपण बैठक बोलवली होती, या बैठकीमध्ये आरक्षण निश्चित केलेलं आहे, परवाला जाहिरात येईल या संदर्भाने, आणि त्यानंतर जिल्हाधिकारी महोदयांनी याबाबत उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केलेली आहे, तहसीलदार त्याचे सदस्य सचिव आहेत, बाकी अजून 2-3 अधिकारी त्याचे सदस्य आहेत, तर या समितीमार्फत तालुक्यातील कोतवाल भरतीची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे। थँक्यू। महाराष्ट्र शासन कोतवाल भर्ती देगलूर तालुका 2023 आज आरक्षण सोडत झाले आहे आणि देगलूर शहराचे देगलूर तालुक्याचे उप जिल्हाधिकारी जंगम साहेब तसेच देगलूरचे तहसीलदार राजाभाऊ कदम यांच्या हस्ते आरक्षण पैठण सोडत झाले आहे। देगलूर शहरामध्ये सैफसमी मेरी आवाज न्यूज 24 लाईव्ह देगलूर। अपने शहर से जुड़ी हर खबर जानने के लिए जुड़े रहें मेरी आवाज़ न्यूज 24 लाइव के साथ, और मेरी आवाज़ न्यूज 24 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।